more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. इश्कबाजी की कहानी के आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि कैसे दादी की नई चाल होने वाली है कामयाब और हो जाएगा तीनों भाइयों का मिलन, जिसके साथ ही और कौन कौन से नए ट्विस्ट आपको शो में देखने को मिलेंगे ये पूरी जानकारी आज हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले आपको हम ये बता दें कि कल के एपिसोड में आपने देखा होगा कि कैसे जहां दादी दोनों बहुओं को सिक्का दे रही होती है तभी होती है वहां अनिका की एंट्री और अनिका भी मांगती है दादी से सिक्का, तो वहीं दादी कहीं ना कहीं मान लेती है अनिका की बात और देती है उसे भी सिक्का। लेकिन बात करें शो के आने वाले ट्रैक की तो अब जल्दी शो की कहानी में आप देखेंगे कि कैसे दादी देंगी अपने मास्टर प्लान को अंजाम, जहां दादी ही तीनों भाइयों का मिलन करवाती हुई नजर आएंगी। और आपको हम ये भी जानकारी दे दे कि कहीं ना कहीं रुद्र भी अब शिवाय से बात करेगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुश नहीं नजर आएगा। जहां से आने वाले ट्रैक में ये भी देखने को आपको शो में मिल सकता है कि कैसे तीनों भाइयों के महामिलन में कहानी में ट्विस्ट और कोई नहीं बल्कि रूपबुआ लगाएंगी। लेकिन आगे जाकर अब ये देखना काफी मजेदार होने वाला है कि आखिर तीनों भाई जब मिल जाएंगे तो कैसी होगी इस बार शो की कहानी। जानने के लिए बन जाए मेरे साथ फिलहाल कुमार शो में, बस इतना ही। और भी अपने फेवरेट शो इश्कबाज से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स और अपकमिंग ट्विस्ट को जानने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से काजल की रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज।